तो ये अमन भाई मेरे लिए इस बिरयानी को ओपन करने जा रहे हैं, ये देखिए। वाह जी वाह, वाह भाई वाह, कुछ इस तरीके से ये बिरयानी ओपन हो रही है। और ये हटने वाला है इस हांडी का ढक्कन। नमस्कार, सत श्री अकाल एंड अदाब दोस्तों। तो दोस्तों कैसे हो आप सब? तो जैसा कि अभी आपने ये बोर्ड देखा है, मैं हूँ द बिरयानी मिल। और ये मिल जो है, जो बिरयानी की ये जो मिल लगी हुई है, ये मिल लगी हुई है चंडीगढ़ में सेक्टर 35B में, और जो बूथ नंबर है 328A। तो यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे टेस्टी टेस्टी बिरयानी, लेकिन उसके साथ जो यहाँ की मेन आइटम रहेगी वो रहेगी द चिकन गोलगप्पा। जी हाँ, द चिकन गोलगप्पा, ना देखा ना खाया ना सुना। तो आज हम टेस्ट करेंगे यहाँ पे चिकन गोलगप्पा। भाई बिल्कुल मेरे लिए भी नई आइटम है, तो देखते हैं चल के क्या क्या खाने को मिलता है। और चिकन गोलगप्पा मैं भी पहली बार सुन रहा हूँ, तो चलिए इकट्ठे टेस्ट करते हैं आज ये चिकन गोलगप्पा। देखते हैं द बिरयानी मिल ने क्या नया इनोवेट किया। तो चलिए चलते हैं, करते हैं आज का ये शूट यहाँ से शुरू। तो फ्रेंड्स, ये अंदर में आ चुका हूँ और छोटा सा कोजी सा प्लेस है। सिटिंग में दिखा दूँ, दो टेबल आपको यहाँ पे मिलेंगे ऐसे बैठने के लिए, और सेम ऐसे ही दो टेबल ये है फ्रंट, जहाँ पे ये भाई साहब खड़े रहेंगे आपका ऑर्डर लेने के लिए, इनसे भी मिलते हैं। और ऐसे ही दो टेबल आपको यहाँ पे लगे हुए मिलेंगे। तो एमबीएस बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शांत सा माहौल है, और जो इंटीरियर है बहुत ही बढ़िया। ये देखिए, मतलब अंदर आने के बाद एहसास होता है कि किसी अच्छी जगह पे आप आके बैठे हैं। बेशक छोटी है, लेकिन जो माहौल सुकून मिलता है ना यहाँ पे अंदर आके, बहुत अच्छा। और ये देखिए क्या बात है। तो मैं दिखा रहा हूँ आपको द बिरयानी मिल का मेन्यू, और यहाँ पे आपको चिकन कबासा बिरयानी, उसके साथ साथ स्पेनिश कबाब और बहुत सारी आइटम्स हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी यहाँ पे। छोटा सा मेन्यू, ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन आइटम बहुत ही अच्छी होंगी, ये हमें उम्मीद है। तो चलिए करते हैं आज का वीडियो शुरू। हमारा जो ऑर्डर लगने आना है वो आएगा चिकन कबसा बिरयानी, उसके बाद हम लेंगे स्पेनिश कबाब और चिकन गोलगप्पा। तो चलिए देखते हैं कैसा ये बन के आता है, कैसी प्रेजेंटेशन होती है और कैसा होता है ये सिस्टम। तो दोस्तों अब मैं टेस्ट करने जा रहा हूँ सबसे अमेजिंग चीज़ जो मैंने आज तक टेस्ट नहीं की है, और वो है ये द चिकन गोलगप्पा। आने को तो हमारे पास स्पेनिश कबाब भी यहाँ पे आप देखिए आ चुके हुए हैं, और उसके साथ साथ आ चुकी है हमारी चिकन कबासा बिरयानी, कबसा बिरयानी या कबासा वो है सही है। लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, जिसके लिए मैं यहाँ पे इतनी दूर तक आया हूँ, वो है दिस डैम गुड चिकन गोलगप्पा। बेसिकली इसको चिकन गोलगप्पा नाम दिया गया है, लेकिन ये है पोटली कबाब। तो ये देखिए, वाह, ओ वाह, इतना बढ़िया खुशबू है ना इसकी, काश कि आप लोग इसको कर पाते। और ये जो है इसका, ये पूरा चिकन का इन्होंने बनाया हुआ है, चिकन के अंदर चिकन भरा हुआ है। तो ये जो लेयर है गोलगप्पे की, ये आटे या सूजी की नहीं, ये भी चिकन की है, और चिकन के अंदर पूरा, उसके बाद देखिए जो मटेरियल है अगेन चिकन है। और मेरे मुंह में आ रहा है पानी, आई कांट वेट। तो इसको टेस्ट करते हैं इसके साथ चटनी के साथ। इसको खाते ही ना अंदर चिकन का एक ब्लास्ट सा होता है, हर मतलब मुंह में चारों तरफ महक सी उठती है, हर तरफ चिकन की खुशबू, नाक से जो मतलब बाहर आ रही है हवा, वो भी इतनी चिकनी चिकनी है, चिकन वाली है मतलब की। तो मज़ा आ गया यार, इट इज़ सो गुड, सो ऑसम यार।
मतलब इनको चिकन गोलगप्पा ही कहूँगा। अंदर जो स्टफिंग है उसके बारे में मुझे बताएंगे थोड़ा सा। मेरे साथ हैं, आपका नाम? अमन सर। हाँ अमन, अमन इसके अंदर कौन सी स्टफिंग है? सर इसमें कीमा स्टफ होता है। ओके, चिकन का कीमा ही है? यस सर, चिकन का कीमा। तो तभी हर चीज़ चिकन की है। ऊपर भी आप चिकन देख सकते हो, पूरा प्रॉपर चिकन लेयर है और चिकन का पूरा गोलगप्पा बना दिया, जिसकी जो जितनी तारीफ की जाए इस आइटम की उतनी कम है। तो बात ऐसी है जी, इसको खाने का जो मज़ा रहा है तो इसको कुछ इस तरीके से हम लोग खाया जाता है। मैंने जोर ज़्यादा लगा दिया इसलिए चम्मच छूट गया। तो ये ऐसे स्टफिंग को निकालो, ड्राई फ्रूट्स हैं अंदर, चिकन है और इसको यूज किया, चटनी लगाई, अगर प्याज लेना तो ठीक है, नहीं तो अल्टीमेट। और अब बारी है टेस्ट करने की स्पेनिश चिकन। मैं दिखा दूँ आपको, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये पीस और चीज़ है इसमें, और मुझे बताया गया है इसमें है गार्लिक। तो दोनों ही चीज़ें अपनी फेवरेट है। तीसरा भैया चिकन, तो क्या बात है, ये कुछ इस तरीके का अंदर से वाओ, जूसी सा, फ्रेश सा। तो इसको ज़्यादा तोड़ा मरोड़ा ना जाए, ऐसे रखते हैं, यूँ उठाते हैं, इकट्ठा करना पड़ेगा, अभी मैंने ज़्यादा तोड़ दिया। तो इसको यूँ चिकन मुंह में जाते ही खुल गया पूरा, और जो लहसुन यानी कि गार्लिक, वाव क्या खुशबू दे रहा है, और इसके साथ साथ चीज़ का जो अपना टेस्ट है और चिकन का जो टेस्ट है वो मिक्स होकर इतना ज़बरदस्त ब्लास्ट दे रहे हैं ना, मतलब भैया बिरयानी मिल पे आके आप इनकी अलग अलग चीज़ें ट्राई करेंगे तो उनके कायल हो जाएंगे। तो मैं अब इसको भी मैंने टेस्ट कर लिया है, अब बारी है जो एक्चुअल ऑथेंटिक यहाँ की चीज़ है, और वो है ये बिरयानी। ये देखिए मिट्टी की इस बिरयानी पे आटा लगा हुआ है, और कब से हमें इंतज़ार में, हमारे इंतज़ार में आवाज़ें ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें लगा रहा है, भाई आओ खोलो खाओ। चलिए उसकी तरफ करते हैं रुख। तो ये अमन भाई मेरे लिए इस बिरयानी को ओपन करने जा रहे हैं, ये देखिए, वाह जी वाह, वाह भाई वाह, कुछ इस तरीके से ये बिरयानी ओपन हो रही है, और ये हटने वाला है इस हांडी का ढक्कन। ओ वाह क्या बात है, इसकी खुशबू अगर आप यहाँ से ले पाते ना तो खुशबू से ही दीवाने हो जाते इस चीज़ के, बहुत ही खूबसूरत है। और अब बारी है इसको टेस्ट करने की, क्योंकि इसकी जो खुशबू है, जो अरोमा है ना, वो अंदर ही अंदर बड़ी भूख जगा रहा है। तो इस भूख को हम भैया क्यों मारें, हम तो खाने आए हैं तो खाएंगे। तो चलिए टेस्ट करते हैं ये बढ़िया सी दम बिरयानी, जो कि है चिकन कसा, चिकन कापसा बिरयानी। तो चलिए टेस्ट करते हैं इस चिकन कापसा बिरयानी को। तो हम अब टेस्ट करने जा रहे हैं ये चिकन कापसा बिरयानी, और देखिए यहाँ पे पूरा इसको हांडी में दम दिलवाया जाता है, और ये देखिए अंदर से कितनी खूबसूरत बिरयानी। काश आप खुशबू ले पाते इसकी ना अभी यहाँ पे। और इसको सर्व किया जाता है, ये प्याज हैं जो कि तड़का मार के फ्राई करके दिए जाते हैं, प्याज थोड़े से इसके ऊपर डालेंगे प्याज, और इसको टेस्ट करेंगे हम दही के साथ। दही को बाद में टेस्ट करते हैं, साइड पर मैंने डाल लिया है। सबसे पहले टेस्ट करेंगे हम बिरयानी और चिकन। तो अरे बच गया, तो दिस इज़ द पीस ऑफ चिकन, और मैं इसको ट्राई करने जा रहा हूँ। देखिए लुक देखिए कितना इसका ज़बरदस्त है, कितनी टेस्टी लग रही है। तो ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, हाँ इसको अगर फ्लेवर का ब्लास्ट कहा जाए ना तो ये बिल्कुल सही बात होगी। अलग अलग फ्लेवर्स, अलग अलग मसाले,
आपकी हर सांस के साथ आपको ऐसे लगेगा कि एक सांस में आपको महसूस हो रहा है कि मोटी इलायची का मसाला, एक सांस में आपको महसूस हो रहा है उसमें जीरा या दूसरी जो चीज़ें डली हुई हैं, बहुत सारे फ्लेवर इकट्ठे होकर एकदम से ब्लास्ट करते हैं। और जो चिकन है वो तो मतलब क्या बात है, माशाल्लाह इतना जूसी और बढ़िया चिकन है ना, क्या कहना इसका। वाओ, इस बाइट में मेरे पास आया चिकन के साथ जब इलायची दाना आया ना, यदि वो दांत के नीचे आकर टूटा और उसकी जो महक, वाह जस्ट वाह, मतलब मसाले प्रॉपर खड़े मसाले यूज़ हुए हुए हैं उसके साथ, अलग अलग तरीके के इसमें इन्होंने यूज़ किए हैं ग्रेवी और मसाले, एंड दिस इज सम सिंपली द बेस्ट। एक फूडी की लाइफ में कितना खाना होता है ये कौन बताए कौन समझाए, ये फूडी के दिल की बात एक फूडी जाने, क्योंकि भैया जब आप होते हो आउटडोर शूट करने निकलते हो तो आपको एक नहीं दो नहीं तीन नहीं चार नहीं पांच नहीं ये लालच होता है कि कम से कम छः सात वीडियो करके चले जाओ ताकि लगातार आपके वीडियोज़ आते रहें, और यही हाल मेरा हुआ। लेकिन टेस्ट चेस में यहाँ पे द बिरयानी मिल में मैं इतना खा गया कि अब आके बाहर रखवाने को है, तो अब पता नहीं शूट कर भी पाऊंगा नेक्स्ट के नहीं कर पाऊंगा, लेकिन ट्राई तो करूँगा भैया, फूडी जिद थोड़ी छोड़ूंगा फूड खाने की। तो यहाँ का जो एक्सपीरियंस लगा द बिरयानी मिल का, दैट वाज ऑसम। और जो चिकन गोलगप्पा हमने खाया यानी कि पोटली चिकन, भैया ऐसा चिकन आज तक नहीं खाया मैंने, मैं सच में इट वाज अ वेरी यूनिक वेरी न्यू थिंग। और उसके बाद जो इन्होंने हमें दिया स्पेनिश चिकन में जो सबसे बढ़िया चीज़ मुझे लगी वो थी द चीज़, जो चीज़ सबसे बढ़िया लगी वो थी चीज़ भैया, चीज़ अरे वो यार पिज़्ज़े वाला चीज़, और उसके साथ वो जो मोटे मोटे लहसुन के दैट गार्लिक टुकड़ास, ऑसम ब्रो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। जो प्राइजेस थे, हाँ प्राइजेस, स्पेनिश जो कबाब जो था, जो हमने स्पेनिश कबाब खाए हैं वो 6 पीस होते हैं ₹400 के, एक्सपेंसिव है महंगा है लेकिन वर्दी है। और जो पोटली कबाब यानी चिकन गोलगप्पा वो ₹320 के थे, वो अराउंड वो भी 6 पीस होते हैं 4 पीस होते हैं 4 पीस, तो वो 4 पीस होते हैं, मतलब ₹80 का 1 पीस आपको पड़ेगा, दैट इज वो ड्राई फ्रूट है, चिकन है, इतना चिकन है। एंड द बिरयानी जो हमने खाई थी वो द चिकन कब्सा बिरयानी, वो भी आपको मिलेगी ₹400 की, और ये एक्सपेंसिव लग सकते हैं, लग नहीं सकते हैं, लेकिन फूड वर्थ करता है। जो टेस्ट था, जो बिरयानी का एक्चुअल टेस्ट है ना, मज़ेदार भैया, ऑथेंटिक बिरयानी थी, दम दिया हुआ था पूरा, खाते हुए पता चल रहा था कि हाँ यार आप कुछ खा रहे हो वाकई में। तो आज के लिए इतने दोस्तों, जल्दी ही मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए सत श्री अकाल बाय बाय। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को दबाना है। और मैं चलूँ यहाँ से होटल में थोड़ी देर आराम करने के बाद फिर से निकलूँगा एक और वीडियो शूट के लिए, मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।